हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप मे दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक जबरदस्त वैकेंसीज निकल के आ चुकी है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए आई वालों के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आईटीआई की सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आप आईटीआई पास आउट हैं आपका कोई सा भी ट्रेड है डजेंट मैटर आप बिल्कुल और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा मौका है जितने भी आई आई युवाओं के लिए मोस्टली ज़्यादा वैकेंसी उन्हीं कैंडिडेट के लिए ही रिलीज की गई है तो चलिए डिटेल में बात करते हैं एक्चुअली यहाँ पर टेंथ पास वाले के लिए वैकेंसी है ट्वेल्थ पास वालों के लिए भी है आई वालों के लिए तो है ही और एक आपका डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज है सैलरी अच्छी खासी मिलती है क्योंकि एक स्वस्थ विभाग है तो सैलरी की टेंशन नहीं लेने का सैलरी टी ए डर बड़ा मस्त तरीका यहाँ पर मिलता है और इंक्रीजमेंट भी अच्छी खासी होती है गैस तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं किस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है क्या क्वालिफिकेशनिफी एफिकेशन वाइज कितनी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है किस पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है सब कुछ डिटेल में बात करूंगा एप्लीकेशन फी सैलरीज वगैरह के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी जितने भी आई के स्टूडेंट हैं अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आपका कौन सा ट्रेड है और आप किस ट्रेड से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं विदाउट में पहले भी बोल चुका हूँ कि सभी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं बट अपना ट्रेड इसमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ओके ये हमें पता चलता है गाइस ताकि आप बता चलो जो भी ट्रेड पर वैकेंसीज आती है किसी भी डिपार्टमेंट में हम वैकेंसीज लेकर आते हैं चाहे वो वैकेंसी एक ही ट्रेड के लिए क्यों ना हो क्योंकि कैरियर किसी का भी बन रहा हो अगर दो ही स्टूडेंट का करियर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है बट इसमें टेंशन लेने का पोस्ट भी दो सौ तैंतीस पोस्ट है चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो गैज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नन फैकल्टी जो पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स भोपाल यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से वैकेंसी रिलीज की गई है आपका भोपाल से और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये होपफुली ये मेडिकल प्रस्क्रिप्टिविटी है बट आपकी पोस्ट होगी ये ग्रुप सी की पोस्ट है और जो भी पोस्टें ग्रुप सी की पोस्ट होती है समझ लो सिविलियन की तरह की पोस्ट है टेक्नीसियन ग्रुप सी ये अलग पोस्ट होता है ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में बढ़िया तरह रखा जाएगा नर्स का या डॉक्टर से बना के रखेगा कुछ भी नहीं है बिल्कुल आपका एक ग्रुप सी लेवल की पोस्ट होगी जो आपका जमीनी तौर पर यहाँ पे पोस्ट गिना जाएगा चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है वैकेंसी देखें वेस्ट वेकेंसी सबसे पहले सोशल वर्कर की सोशल वर्कर में दो वैकेंसीज है उसके बाद मिल जाएगी ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट यानी कि एम में वैकेंसी या मल्टी में बट स्टोर अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है ये पोस्ट है आपका चालीस और यही पोस्ट है आई स्टूडेंट के लिए स्टोर अटेंडेंट की जो कि मस्त पोस्ट है वैकेंसी कम नहीं है यार चालीस वैकेंसी रिलीज की गई है ओके उसके बाद एल की पोस्ट है बत्तीस पोस्ट है स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है एस में जिसमें चौंतीस है और ऑर्डनरी ग्रेड फ्रो ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है सोलह वैकेंसी जूनियर वार्डन में रिक्रूटमेंट है सॉरी टेंथ वैकेंसीज और हॉल अटेंडेंट में वैकेंसी आठ है यू की वैकेंसी दो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर दो वैकेंसीज है जूनियर स्किल पर स्टेनो हिंदी में वैकेंसी एक है और फायर जमादार जो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी कम में उसमें एक रिक्रूटमेंट है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है स्टोर कीपर कम क्लर्क में जो कि टोटल एटी फाइव रिक्रूटमेंट है टोटल अगर आप ऐड करो पोस्ट को मिला के तो दो सौ तैंतीस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है जहाँ पर टेंथ पास ट्वेल्थ पास और आई आई और कुछ पोस्ट के लिए डिग्री कैंडिडेट जो यू है ना वो डिग्री कैंडिडेट वालों के लिए तो सब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओके इसकी फॉर्म आपको गई 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है आपका तीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा और कोई सारा ट्रेड जो है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा जैसे आई टी हो गया ड्राइवर की हो गया ये सब में स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा वन इस थर्ड रेसियो उसके हिसाब आप से आपको डी के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा डिटेल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर सिलेबस बताया गया है सौ क्वेश्चन होगा सौ मार्क्स का नब्बे मिनट का टाइम आपको दी जाएगी और ये रही आपकी आपकी जो क्वान्टिटी जनरल से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाले कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। I mean, ज्यादा नहीं मतलब बहुत रहेगा ही रहेगा टफ लेवल का कंप्यूटर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बट आपको टेंशन ये स्टन वगैरह के लिए होगा एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा जो कि वन बाय फोर्थ पॉइंट टू फाइव मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें एप्लीकेशन चार्ज देखो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा जनरल ओ और ई कैंडिडेट के लिए बारह सौ रूपए चार्ज है तो एप्लीकेशन फी जो है काफी ज्यादा है यार एस टी कैंडिडेट के लिए छे सौ एप्लीकेशन चार्ज आपका लगने वाला है चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की सबसे पहला पोस्ट है सोशल वर्कर का जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी फर्स्ट ऑफ पोस्ट में ट्वेल्थ पास के कैंडिडेट के लिए बट इस ट्वेल्थ पास वालों की जो फर्स्ट पोस्ट थी सोशल वर्कर का उसमें एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है क्योंकि लेवल उसका हाई है अठारह साल से लेकर पैंतीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार है वो वैकेंसी है स्टोर अटेंडेंट एम की रिक्रूटमेंट है मल्टी की वैकेंसीज uh, है वो एम बोलो मल्टी है और ये स्टोर अटेंडेंट पोस्ट नाम बोलता है जो कि ऑफिस में आपकी जॉब लगेगी यहां पर टेंथ पास या फिर आई इक्विपमेंट तो यहां पर जो भी आई पास आउट है आई के ऑल ट्रेड एलिजिबल है कोई भी स्पेसिफिक ट्रेड का जिक्र यहां पर नहीं है सो so प्लीज आपका जो भी ट्रेड है टर्नर मशीन फिटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोपा ए टी सी मैन यानी कि आई टी सिंपल सा पास आउट है आप बिल्कुल और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप सबके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है 18 साल से लेकर तीस साल के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं और ये अच्छी खासी आप सबके लिए पोस्ट भी है चालीस पोस्ट पर वेकेंसीज है मोस्टली क्योंकि टेंथ पास यहाँ पर अप्लाई करेंगे भैया आई वाले भी अप्लाई करेंगे तो जो सिलेक्शन होगा इसमें ना गाइस इस आई वालों का पहले होगा तो आई वालों की ही चांस समझ लो क्योंकि जहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन रहता है टेक्निकल पोस्ट रहता है वहाँ पर आई स्टूडेंट का सलेक्शन पहले होता है वो आपका मार्क्स पे भी वेरी करेगा तो जैसा आप लाओगे उसके हिसाब तो से यहाँ पर सलेक्शन होगी तो ठीक वेकें ठीक ठाक वैकेंसी है यार जरूर अप्लाई करना है एम्स में बहुत कम वैकेंसी निकलती है इतनी पोस्ट पर जो कि एक सिर्फ सिंपल सिंपल सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करें कुछ डाउट है आई है लोगों के लिए तो कमेंट कर सकते हो तो आप टोटली हेल्प की जाएगी एज में रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी एलडीसी की रिक्रूटमेंट है ट्वेल्थ पास वाला बंदा अप्लाई कर सकता है बट टाइपिंग स्पीड होगी थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड थर्टी में आपका हिंदी रखा जाएगा बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज होगी यहाँ पर भी अठारह से तीस साल एज है स्टेनो की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर भी ट्वेल्थ पास एलिजिबल होगे और स्किल टेस्ट नॉर्मल रखा गया है हिंदी इंग्लिश डिजाबल है नॉलेज आपको रिटर्न स्कैन एंड अठारह से सत्ताईस लिमिट है उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है जहाँ पर टेंथ पास एलिजिबल होगा बट एल एंड एच दोनों मांगी गई है और दो साल की वर्क एक्सपीरियंस है और अठारह से सत्ताईस साल एज है जूनियर वार्डन की रिक्रूटमेंट है तो इसमें ग्रेजुएट मांगी गई है और दो साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है बट एज भी ज़्यादा है डायरेक्शन एक जो डिस्कशन जो हॉल है आपका हॉल अटेंडेंट में उसमें रिक्रूटमेंट है ट्वेल्थ पास वालों के लिए और आपने वही एक साल के एक्सपीरियंस कर लिए तो दैट्स गुड अगर टेंथ पास किए तो तीन साल की एक्सपीरियंस इक्कीस से तीस साल एज लिमिट है यू की रिक्रूटमेंट है तो यू डी की डी, सी डी, में डिग्री चाहिए स्किल टेस्ट होगा आपका एल का इक्कीस से तीस साल एज लिमिट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के ट्वेल्थ पास के कैंडिडेट मांगी गई है आठ की डिप्रेशेंस होनी चाहिए अठारह से सत्ताईस साल एज लिमिट है उसके बाद जूनियर इसके जो स्टेनो की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर भी ट्वेल्थ पास एंड स्किल टेस्ट होगा जो कि नॉर्मल होगा इक्कीस से तीस साल एज लिमिट है उसके बाद वैकेंसी है रोटी कम फायर जो जमादार इसमें अच्छी खासी पोस्ट थी ट्वेल्थ पास के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और हाइट इसमें मांगी जाती है क्योंकि सिक्योरिटी चीफ की वैकेंसी है एक सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए अस्सी व अस्सी सेंटीमीटर आप सीना होना चाहिए अठारह से सत्ताईस साल एज लिमिट है सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट थी स्टोर कम क्लर्क की वो ग्रेजुएट वाला बंदा अप्लाई कर सकता है अदरवाइज़ आपने पीजी की डिग्री कर रखी है डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी आप एलिजिबल हैं अठारह से इसमें तीस साल के कैंडिडेट एलिजिबल हो एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है अगर आप फॉर्म भर रहे हैं फिलअप कर रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर देख लें कि आपका सिलेबस क्या होगा किस बेसिस पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली है वैसे आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं दिन आपके अवेलेबल है तीस अक्टूबर तक लास्ट so डेट है गई सो प्लीज़ अच्छी वैकेंसीज है आई टी आई स्टूडेंट के लिए टेंथ पास के लिए और आपका डिग्री वालों के लिए डिग्री वालों के लिए तो ज़बरदस्त वैकेंसीज है ज़रूर अप्लाई करना यार और टेंथ पास वालों के लिए भी देखो चालीस वैकेंसी एन आई टी आई वालों के लिए तो आई टी आई वाले जो भी ट्रेड है मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी एलिजिबल हैं मेल फीमेल और फीमेल को तो अप्लाई करनी ही चाहिए क्योंकि एम्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है गई तो आपको काफ़ी सारा नॉलेजबल भी मिलेगा प्रमोशन की सुविधा आपको वहाँ पर दिन बदल जेई वगैरह आपका बन सकते हैं अगर आप में कैपेबिलिटी है ओके तो जाओ जाकर अप्लाई करो कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताएं होपफुली वीडियो इस पर लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चले मिलते तो हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद